ओके तो है गाइस, मैं फ्लैश और आगे में एक और नया वीडियो लेकर, और आज से हम एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम कोई 4v4 कस्टम का वीडियो नहीं डालेंगे, आज से हम टिप्स एंड ट्रिक्स और जो नया अपडेट है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो है गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सीख के आप फ्री फायर में SMG का एकदम गॉड बन जाओगे, और उसके साथ साथ आपका मूवमेंट और गुलाल का जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बस वीडियो पूरा देखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना कस्टम HUD ओपन करना है, और आप जैसा कि देख सकते हो ये एक नॉर्मल 2 फिंगर का कस्टम HUD है, जिसमें जो जंप बटन है वो राइट में होता है, और 3 फिंगर में शिफ्ट होने के लिए आपको जो जंप बटन है वो लेफ्ट में लाना पड़ेगा, और जो रन बटन है ना उसके ठीक ऊपर रखना पड़ेगा जंप बटन को। और उसके बाद आप इसका साइज़ और ट्रांसपेरेंसी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करना, फिर देखना आपका गेम प्ले कितना ज़्यादा इम्प्रूव दिखेगा आपको। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो इसके लिए आप पहले आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाए, क्योंकि अगर पहले से आप कस्टम में जाके खेलना शुरू कर दे तो आप खेल नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप नया नया 3 फिंगर पे शिफ्ट हो रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। तो ये देखो, ये एकदम पहले का जैसे आप ड्रैग करते तो ऐसे आप पहले खेलते थे, पर आप क्या करोगे जैसे ही आप फायर करोगे ना उसके साथ साथ आपको जंप भी करना है, तो उससे क्या होगा। तो पहले देखो, आप फायर करने के टाइम सिर्फ ड्रैग करते थे, और अभी फायर के साथ साथ ड्रैग भी कर रहे हो और ऊपर से जंप भी कर रहे हो, तो इसके लिए आपका जो हेडशॉट है वो बहुत जल्दी लग जाएगा। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो जो मेरा एम है अभी बॉडी पे लॉक है, और जैसे ही मैं जंप करूंगा तो एम ऑटोमेटिकली हेड पे चला जाएगा, तो और अगर तब मैं फायर करूंगा तो सिर्फ आपको रेड नंबर ही दिखेगा, तो इसलिए इतना हेड लगता है इसमें। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो पुतला है, ये तो बस चुपचाप खड़ा है, इसको तो कोई भी मार देगा हेड, तो ऐसा असली में थोड़ी ऐसा लगेगा। तो भाई सच में ऐसे ही हेड लगेगा, बस आपको पहले थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जब आप कस्टम खेलोगे या कुछ भी खेलोगे तब अगर तुम मुंह पे से जंप करके मारोगे ना तो सिर्फ आपको रेड नंबर ही दिखेंगे। और ये मैं नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर यूज़ करती है 3 फिंगर का ट्रिक, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मैं ये वीडियो सबसे पहले बना रहा हूँ, ये जो 3 फिंगर का वीडियो बहुत सारे बंदे ने बनाया है, पर फिर भी मैंने बनाया क्योंकि बहुत सारे मेरे ऑडियंस है जो नए नए गेम खेल रहे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे नए नए बंदे हैं, तो शायद उनको कुछ हेल्प मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो पे एक लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।